नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज देश भर में ईद उल फितर मनाया जा रहा है। इसी मौके पर आज नाहन के कमेटी मैदान में ईद की नमाज अता की गई और समाज समेत देश की सलामती को लेकर दुआ मांगी गई है। कमेटी मैदान में जामा मस्जिद कच्चा टैंक मौलाना अब्दुल रऊफ की अगुवाई में ईद की नमाज अता की गई, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम लोगों ने भाग लिया और नमाज अता की। मौलाना अब्दुल रऊफ ने बताया कि पूरे एक महीने तक लोगों ने रोजे रखे और आज ये मुबारक दिन आया है। इस पर सभी लोग देश की सलामती की दुआ कर रहे हैं। विधायक नाहन अजय सोलंकी भी ईद की नमाज में शामिल हुए और उन्होंने भी सभी से नमाज में आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने की अपील की। जामा मस्जिद कच्चा टैंक के इमाम मौलाना अब्दुल रऊफ ने कहा कि आज का दिन बहुत मुबारक दिन है और इस दिन दान किया जाता है। आज सभी मुस्लिमों ने ईद की नमाज अता की और देश में आपसी भाईचारे एवं देश की सलामती की दुआ की गई। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि ईद के मौके पर सभी लोग आपसी भाईचारे को और मजबूत करें ताकि हमारा समाज और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। वासियों को हमारी तरफ से और अंजुमन इस्लामी की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज का जो मुबारक दिन है, ईद का दिन, इसी तरह यह ईद हमारे हम इसको मनाते रहें और एक दूसरे के साथ खुशी से जीते रहें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते रहें। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस ईद के दिन की बरकत से पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर से हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व अमान नसीब फरमाए, मुल्क की और मुल्क में रहने वाले तमाम इंसानों की हिफाज़त फरमाए और इस मुल्क को खूब तरक्की अता फरमाए। ईद उल फितर का त्यौहार जो है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं भी सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेषकर अपने नाहन निर्वाचन क्षेत्र के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और आज के दिन जो है सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ ईद उल फितर को मनाते हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसे ही भाईचारा जो है हमारे क्षेत्र में बना रहे, हमारे देश में बना जाए और देश में खुशहाली हो। आज हम दुआ भी करते हैं कि हमारे क्षेत्र में खुशहाली हो, भाईचारा बढ़े और हम तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।